अनादर हुआ है तो उस पर पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है, जो दोषी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। हमारी सरकार का मतलब है हर नागरिक का सम्मान करना और विशेष तौर से महिलाओं का सम्मान करना, बुजुर्गों का सम्मान करना, उसी के परिप्रेक्ष्य में उस कार्रवाई को देखना चाहिए। सर मायावती ट्वीट कर आज है, कोई कानून नहीं है, उनको कैसे आप सर देखते हैं जिस तरह से ट्वीट कर रहे हैं? देखिए वो ट्वीट करें अपने कार्यकाल को, चाहे सपा हो चाहे बसपा हो, याद करेंगे तो उनको ये ध्यान में आएगा कि उनको बोलने का नैतिक बल उनके पास नहीं है। अपना कार्यकाल सोचें, जनता भूल गई है, लेकिन न तो सपा का कार्यकाल भूली है और न बसपा का कार्यकाल भूली है, और दोनों के जो कारनामे रहे हैं प्रदेश की जनता को याद हैं और हम लोग याद दिलाने का काम भी करेंगे। हमारा लक्ष्य है कि सब कुछ जिस प्रकार से एक लोकतंत्र के अंदर होना चाहिए वो उस प्रकार से। सर आज जिस तरीके से अब उत्तर प्रदेश सरकार नई जो पॉपुलेशन पॉलिसी है वो लेकर आने वाली है, किस तरीके से देखते हैं, क्या खास होगा इस पॉलिसी में और किस तरीके से क्यों लाई जा रही है? देखिए जो खास होगा वह आपको सब कुछ कल काफ़ी कुछ जानकारी दी जाएगी, लेकिन यह एक बहुत ही दूरगामी निर्णय है और देश और प्रदेश सभी जगह सबका बहुत इसके लिए व्यापक समर्थन मिल रहा है। और आज की आवश्यकता है कि जनसंख्या नीति आ जाए और सब लोग जिस प्रकार से देश के सामने चुनौतियां खड़ी हो रही हैं उसका मिल करके मुकाबला करें। लगता है राज्य के लिए काफ़ी फायदेमंद होगी सर? राज्य के लिए, राष्ट्र के लिए, देखिए उत्तर प्रदेश राष्ट्र का हिस्सा है और राष्ट्र का हिस्सा है तो जब राज्य में कुछ होता है तो देश के दृष्टि से भी फायदेमंद होता है और आगे दूसरे राज्य भी उस प्रकार के कार्य करते हैं जिससे कि जनसंख्या, जो बढ़ती हुई जनसंख्या है उसको नियंत्रित किया जा सके। सर अपोजिशन पार्टी लगातार विरोध करती रही है इस तरीके की पहल का, जनसंख्या को लेकर अभी मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट करे हैं उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ने, तो इस तरीके की राजनीति नहीं होनी चाहिए, उस पर आपका क्या कहना? देखिए राजनीति करने वाले करेंगे, चूँकि जब चुनाव आएंगे तो वह कई रंग बदल बदल करके दिखाई देंगे, लेकिन जब प्रदेश के हित की बात को लेकर के सदन में चर्चा होगी तो जो बात है वहाँ पर विपक्ष को अपनी बात कहना चाहिए, लेकिन बहुत अस्पष्ट सोच है, एक अस्पष्ट लक्ष्य है और उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो और जो उत्तर प्रदेश के संसाधन हैं उसका प्रदेश की जनता के हित में उपयोग किया जा सके, इस बात को ध्यान में रख करके जनसंख्या नीति लाई जा रही है और मुझे लगता है इसका सब स्वागत करेंगे, वोट की राजनीति के लिए विरोध कोई भले करे। सर एक सवाल है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके, कल दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार को उस पर विचार करके आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन उस पर भी राजनीति लगातार होती है। देखिए जब कोई माननीय चाहे उच्च न्यायालय चाहे माननीय सर्वोच्च न्यायालय या कहीं से भी इस प्रकार की बात निकलती है तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का आज का नहीं सदा सर्वदा से कि इस देश में जब एक कानून है तो एक व्यवस्था है तो एक ही प्रकार का कानून सबके लिए लागू होना चाहिए, किसी के लिए कुछ और किसी के लिए कुछ नहीं होना चाहिए, और उस पर एक बहुत स्वागत करता हूं मैं तो हाईकोर्ट के फैसले का, और हम लोग तो सदा उसके पक्षधर रहे हैं और सबको भी इसका स्वागत करना चाहिए कि दो प्रकार की तीन प्रकार की व्यवस्था क्यों। और